या 10 से 12 हजार में इन्होंने कमाल का बाइक बना दिया है जिसमें 6 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं। इसमें एक साथ 6 लोग बैठ के जा सकते हैं, 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और 10 से 12 रुपए में 150 किलोमीटर की दूरी। 150 किलोमीटर, देखिए कमाल का इलेक्ट्रिक बाइक है और यही कारण है कि इनका फैन जो है आनंद महिंद्रा जी हो गए हैं। जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, बाकी लोहे का फ्रेम है और सारी चीजों को मैंने कबाड़े से लेके बनाया, कबाड़ से बना दिए है। बहुत अच्छा लगा और काफी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने मेरे काम को जो है काफी पसंद किया। मैं एक एरोप्लेन बनाना चाहता हूँ जो कि सोलर और बैटरी से उड़े। अच्छा, एरोप्लेन बनाना चाहते हैं, वाह क्या बात है। दोस्तों अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के वो लाल है जिन्होंने ऐसा आविष्कार कर दिया है जिनकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। आप देख सकते हैं कि भैया इससे पहले आपने 2 सीटर वाला बाइक को देखा होगा लेकिन इन्होंने 6 सीटर वाला बाइक को बना दिया है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि भैया 6 सीट है। और इस बाइक को देखने के बाद आनंद महिंद्रा जी भी इनका फैन हो गए हैं, इनके वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। बाकी हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या आपका? मेरा नाम असद अब्दुल्ला है और मैं आजमगढ़ के लोहरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मन में आइडिया कहाँ से आया कि आपने 6 सीटर वाला बाइक को बना दिया है? देखिए मन में आइडिया आने का मतलब है कि जो ये दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और गांव में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, काफी महंगी पड़ती है जो है आना जाना, तो यही सोच के मैंने इसको। यानी कि पेट्रोल डीजल का दाम जिस प्रकार से बढ़ रहा है इसी को देखते हुए आपने जो है 6 सीटर वाला बाइक बना दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या कुछ खास है? इसमें एक साथ 6 लोग बैठ के जा सकते हैं, 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और 10 से 12 रुपए में 150 किलोमीटर की दूरी। 150 किलोमीटर, 10 से 12 रुपए अगर हम खर्च करेंगे तो 150 किलोमीटर ये चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है। देख सकते हैं कि कमाल का इन्होंने बाइक बना दिया है वो भी गांव से, और बहुत सारे जो लड़के हैं एक साथ बैठकर इस बाइक पे आसानी के साथ कहीं भी जा सकते हैं। ये बताइए कि इसे बनाने में क्या क्या लगाए हैं आप? इसे बनाने में जो है कुछ स्कूटी के पार्ट्स हैं और जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, बाकी लोहे का फ्रेम है और सारे चीजों को मैंने कबाड़े से लेके बनाया। अच्छा, कबाड़ से बना दिए हैं? इसे कबाड़ से बनाए हैं आप? जी कबाड़ से, 10 से 12 हजार रुपए लागत आई, बस 10 से 12 हजार। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए भैया 10 से 12 हजार में इन्होंने कमाल का बाइक बना दिया है जिसमें 6 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं और महज 10 से 12 रुपए में 160 किलोमीटर ये जो बाइक है आसानी के साथ जाएगा। हम चाहेंगे कि चला के दिखाइए कैसा चलता है। जी चला के भी दिखाते हैं। चला के दिखाइए। तो ये देखिए कमाल का इलेक्ट्रिक बाइक है और यही कारण है कि इनका फैन जो है आनंद महिंद्रा जी हो गए हैं, वो भी इनको वीडियो को देखकर हैरान हो गए कि आखिरकार आजमगढ़ के लाल ने कैसे इस बाइक को बना दिया है। ये बताइए कि क्या क्या इसमें और लगाए हैं? इसमें मैं उतर के बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। हाँ, और देखिए आगे तो ये व्हील है और लाइट है, यहाँ से हमारे लाइट वगैरह भी है। जी यहाँ से ये कंट्रोल होता है, ये ब्रेक है। हाँ, और पीछे जो है आपको पीछे क्या लगाए हैं? पीछे जो है ये बैटरी है 48 वोल्ट 30 AH की लिथियम फास्ट बैटरी से चलती है ना। अच्छा, स्कूटी। हाँ, ये हमारा MCB है ऑन ऑफ स्विच के लिए और फॉल्ट कोई आता है तो ये बंद हो जाएगी। हाँ, ये कंट्रोलर है इसका दिमाग। अच्छा ये बताइए कि इसे बनाने में कितना टाइम लगा था आपको? जी इसे बनाने में मुझे 1 महीने का टाइम लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। अच्छा, और 1 महीने में इस बाइक को आप बनाकर तैयार कर दिए हैं और भी इससे पहले बहुत सारा आविष्कार करते रहते हैं? जी जी, मेरा यूट्यूब। कौन सी क्लास में आप हैं? मैं 12th पास करने के ITI किया हूं इलेक्ट्रिक से और अभी BCA कंप्लीट हुआ। अच्छा, 12वीं का पढ़ाई करते हैं और साथ साथ ही आविष्कार वगैरह भी करते हैं, तो क्या स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया जाता है या फिर रिसर्च वगैरह करके? नहीं, स्कूल की पढ़ाई से और इससे कोई मतलब नहीं है और ये मैंने सब YouTube से सीख के और YouTube से सीख के बना दिए हैं। जी जी, वाह क्या बात है। मैं भी YouTube पे काम करता हूं, YouTube पे चैनल है होममेड क्रिएटिव नाम से। अच्छा, उसमें इस प्रकार के तमाम जो आप रिसर्च वगैरह करते हैं आविष्कार करते हैं उसका वीडियो वगैरह डालते रहते हैं? जी बराबर, इसकी भी वीडियो बनाने की मिल जाए और 13 मिनट की है और उसपे देख सकते हैं आप। हाँ, और बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी मैंने बनाए उसपे आपको मिल जाएंगे। और क्या क्या बनाए हैं आप? इससे पहले मैंने एक साइकिल बनाई थी जो कि 60 की स्पीड से चलती थी। अच्छा, और फिर उसका ये जो बाइक है कितना के स्पीड में चल सकता है? ये 40 की स्पीड। 40 के स्पीड में? जी बिल्कुल। सोचिए कि एक कमाल का बाइक है, आसानी से 6 लोग बैठ सकते हैं और 40 के स्पीड तक ये जो बाइक है वो चल सकता है। हम चाहेंगे कि सारे लोग एक बार बैठिएगा और देख सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश के लाल ने कमाल का
आविष्कार कर दिया है और इन्होंने एक ऐसा बाइक बनाया है जिसमें 6 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं और आराम से जा सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना कमाल का एक बाइक है और यही कारण है कि आनंद महिंद्रा जी भी इनका फैन हो गए हैं। कैसा लगा आनंद महिंद्रा जी आपके बारे में ट्वीट किए थे? जी बहुत अच्छा लगा और काफी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने मेरे काम को जो है काफी पसंद किया और भी काफी लोगों ने उसको शेयर किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है ना? जी बिल्कुल। और देख सकते हैं कि गांव में इन्होंने, हम चाहेंगे कि आप आगे से एक बार घुमा लीजिए और फिर से वहां चला के ले चलिए, ठीक है ना। देख सकते हैं कि गांव में रहकर और कबाड़ वगैरह जो लोहा को हम घर में फेंक देते हैं उन सारी चीजों को मिलाकर इन्होंने बाइक बना दिया है, वो भी अपनी मेहनत से। और अभी ये 12th क्लास में पढ़ाई करते हैं, हालांकि पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत सारे रिसर्च भी करते हैं और यही कारण है कि पढ़ाई के अलावा ये बाकी कुछ बाकी चीजों के बारे में भी सोचते हैं और कहीं ना कहीं यही दिमाग लगा के इन्होंने ये आविष्कार कर दिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन्होंने कमाल का ये बाइक बना दिया है और एक नहीं 6 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं। कैसा लग रहा है बाबू बाइक? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले बाइक देखा था ऐसा? नहीं, कभी नहीं देखा था। फ्यूचर के लिए बहुत सही है। फ्यूचर के लिए क्या क्या सही है? बहुत सही। फ्यूचर बहुत सही है ना? कैसा लग रहा है बैठ के इस पे? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बाबू? साजिल। अच्छा, ये बाइक पे बैठे हो तो कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। इससे पहले कौन सा बाइक देखे थे? 2 आदमी बैठ रहा था जिसपे, और इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं ना। फिलहाल आप देख सकते हैं ये कमाल का बाइक है और इन्होंने कबाड़ से तमाम चीजें को मिलाकर इस बाइक को बनाया है। अच्छा, ये बताइए कि अकेले ही बनाया है कि कोई और भी इसमें? नहीं, अकेले अकेले बनाया। अकेले बना दिए हैं? बिल्कुल। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिता डॉक्टर हैं गाँव में ही। अच्छा, गाँव में लोग किसान हैं जी। अच्छा, तो इसे बनाने में जो खर्च वगैरह लगा, कहाँ से आप पैसा लाए? क्योंकि 12th में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा यूट्यूब चैनल है और वहीं से जो भी कमाई होती है। अच्छा, यूट्यूब से जो भी कमाई होता है उसी कमाई से आपने ये बाइक बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। आगे और क्या बनाने वाले हैं आप? मैं एक एरोप्लेन बनाना चाहता हूँ जो की सोलर और बैटरी से उड़े। अच्छा, एरोप्लेन बनाना चाहते हैं? वाह क्या बात है, बहुत बड़ा सोच रखे हैं आप। ताकि फ्यूल ना लगे और पॉल्यूशन कम से कम हो। ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अब देखिए काम चालू होगा उस हिसाब से जिस तरीके। अच्छा, आपने ये जो बाइक बनाया है आपके बारे में आनंद महिंद्रा जी भी ट्वीट किए थे तो उनको देखकर कितना आपको मोटिवेट मिला? बहुत अच्छा लगा, उनको मेरा आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने काफी शेयर करने के बाद काफी लोग और लोगों ने शेयर किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो लगातार आसमान छू रहा है। ऐसे में इन्होंने एक कमाल का बाइक बनाया है जो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में इसे लॉन्च किया जाता है तो लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। जी बिल्कुल। तो मार्केट वगैरह में आएगा कि नहीं ये बाइक? उम्मीद तो है, अब जो भी प्रोसेस होगा इसका कमर्शियली लॉन्च करने का देखें और उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं? बनना तो इंजीनियर ही है जो साइंटिस्ट टाइप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब जो भी नाम दे दिया जाए मुझे, यानी कि वैज्ञानिक ही बनना है। अभी आप युवा वैज्ञानिक है और बहुत सारा आविष्कार करते रहते हैं ना। बिल्कुल। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये गांव में रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा आविष्कार भी करते हैं और इसी को देख सकते हैं कि इसके बाद इन्होंने एक कमाल का ये बाइक बना दिया है और ये बाइक इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हर जगह जो है इस बाइक का चर्चा हो रहा है कि कैसे एक गाँव के युवा ने कमाल करके इस बाइक को बना दिया है। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।